में डॉक्टर हरि सिंह गौर मंडल ने आगामी चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सिविल लाइन चौराहे पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया। इस मौके पर नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया ओबीसी आरक्षण का फैसला ऐतिहासिक है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ओबीसी वर्ग के समर्थन में रही है। यह हमारी नैतिक विजय है और विपक्ष की करारी हार हुई है। यह पूरे ओबीसी वर्ग की विजय है जिसमें ओबीसी को नए आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव में शामिल किया जाएगा। आज चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बारे में क्या विचार रखते हैं आप? माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभी वर्तमान परिस्थितियों में विशेष रूप से ओबीसी आरक्षण को ध्यान में रखते हुए जो एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उन्होंने अभी निर्णय दिया है वो निश्चित रूप से नैतिक विजय है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात की पक्षधर है कि बगैर ओबीसी बहनों भाइयों को आरक्षण दिए हुए चुनाव कराना न्यायोचित नहीं होगा और वो वही स्टैंड जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है और उन्होंने विधिवत ओबीसी को आरक्षण देने के पश्चात परिसीमन की कार्यवाही करने के पश्चात और जो कुछ भी आरक्षण की प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के पश्चात वर्ष 2022 की नवीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव नगरीय निकाय के चुनाव पंचायत के चुनाव कराने का जो निर्णय सुनाया है जो मैंने आपसे पहले कहा ये हमारी नैतिक विजय है और कांग्रेस पार्टी के लिए करारा तमाचा है। कांग्रेस पार्टी जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सिर पे पूरा पूरा ठिकरा फोड़ना चाहती थी वो कांग्रेस पार्टी जो है उसका जो चेहरा है वो उजागर हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की जो नैतिक विजय हुई है ये विजय निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि हमारे ओबीसी मतदाता बहनों भाइयों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय करने का काम किया है। जी देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज जो फैसला आया उसका हम स्वागत करते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व का हम सभी धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं जिनके माध्यम से कई दिनों से जो लगातार पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए हम आरक्षण की जो लड़ाई लड़ रहे थे आज वो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका फैसला दिया गया इसके लिए हम सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आज आप चूंकि महामंत्री हैं तो सागर जिले में कितने मंडलों में स्वागत किया गया है, किस प्रकार से किया गया है और कौन कौन उपस्थित रहे हैं? देखिए पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जितने भी मंडल हैं आज सभी में कार्यक्रम किए गए हैं जिसमें हमारे डॉक्टर हरि सिंह और सागर नगर का मंडल है जो उसमें गौर में सुमित यादव जी के द्वारा आज यह कार्यक्रम किया गया है जिसमें हमारे माननीय विधायक श्री शैलेंद्र जैन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक सिंह बामोरा जी, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष जगन्नाथ गुरैया जी सभी शीर्ष नेता उपस्थित रहे।